Hello friends, welcome back to HIM classes. I am Deepak Chauhan. So today we will continue with the Himachal Pradesh general knowledge. Before starting, I would request you to kindly like, share and subscribe to my channel. So in this video, we will discuss about the district profile of Chamba district. Right? Chamba district ke baare mein kuch khas baatein jo ki examination mein kai baar objective type questions में या कई बार mains में भी कुछ जानकारी पूछ ली जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में. सो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. राइट, आप देख सकते हैं. और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं चंबा जिले के साथ और किन किन जिलों की सीमा लगती है. सो उनमें है लाहौल स्पीति और कांगड़ा जिला, और इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा भी चंबा के साथ लगती है. राइट, ये चंबा जिला का मैप है. आप लोकेट कर सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स कहाँ पे लोकेटेड हैं. अब हम बात करेंगे चंबा की ज्योग्राफी के बारे में. सो चंबा, एज आई सेड, इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट कंप्राइज ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट वैलीज. तीन काफी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं. उनमें ब्यास वैली जो कि हाथीदार ट्रैक्ट, हाथीदार जो है ये शिवालिक रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है एंड इट इज आल्सो द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन भटियात वैली एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट. भटियात वैली ऑफ चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में डिवाइडिंग लाइन का भी काम करती है ये हाथीदार. सो हाथीदार और दौलाधार के बीच का जो ट्रैक्ट है उसे ब्यास वैली के नाम से जाना जाता है. उसके बाद आपका है चंबा और इसे रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है. सो जो दौलाधार रेंजेस है, दौलाधार की जो पहाड़ियां हैं, ये रावी नदी और ब्यास नदी के बेसिन को सेपरेट करती हैं. राइट, और जो रावी नदी वाली साइड है उसे रावी वैली या चंबा वैली के नाम से जाना जाता है. देन नेक्स्ट इज दी पांगी और चेनाब वैली. ये एरिया जो है पांगी और झास्कर रेंज के बीच का जो एरिया है उसे चेनाब वैली या पांगी वैली के नाम से जाना जाता है. देन दागनीदार, इट इज द इम्पॉर्टेंट रेंज विच फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड भादरवा एरिया ऑफ जम्मू. राइट, सो ये दागनीदार काफी इम्पॉर्टेंट रेंज है. इसमें पादरीधार और छत्रधार दो मुख्य दर्रे भी हैं. राइट, सो काइंडली रिमेंबर देम. कई बार ये छोटी छोटी जानकारियां एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं. अब हम चर्चा करेंगे कांगड़ा के राजाओं के इतिहास के बारे में. So, सबसे पहले नाम आता है आदित्य वर्मन का. राइट, वंशावली में इन्हें आदि वर्मन भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये चंबा यानी जिसका पुराना नाम ब्रह्मपुरा भी था. सो ये ब्रह्मपुरा के सबसे पहले राजाओं के रूप में इन्हीं का नाम आता है. उसके बाद है मेरु वर्मन. ये काफी नोटेबल रूलर है, काफी उल्लेखनीय शासकों के रूप में इनका नाम आता है चंबा के इतिहास में. और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने दुश्मनों के खिलाफ काफी सारे कैंपेन्स किए, काफी सारी लड़ाइयां लड़ी और अपने राज्य का काफी ज्यादा विस्तार किया. राइट, एंड इन्होंने काफी सारे मंदिर भी बनवाए जैसे मणि महेश, लक्षणा देवी, देन गणेशा टेम्पल, नरसिंगा टेम्पल. उसके बाद गुग्गा जो थे एक काफी प्रसिद्ध शिल्पकार थे जो कि इनके शासनकाल में रहे हैं. सो इनका नाम मेरु वर्मन के साथ जुड़ा हुआ है. उसके बाद है लक्ष्मी वर्मन. लक्ष्मी वर्मन, अब देखिए राजाओं के इतिहास में हमने जो काफी इंपॉर्टेंट किंग्स थे उन्हीं का इतिहास पिक किया है इस वीडियो में, उन्हीं के बारे में हमने चर्चा की है. इसके बीच में और भी काफी सारे राजा लोग जो हैं वो रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो. अगर आप इस बारे में जानकारी चाहते हैं विस्तार में, सो जो हम बुक का रेफरेंस देते हैं अक्सर, वंडरलैंड द हिमाचल प्रदेश बाय श्री जगमोहन बलोखड़ा, आप उस बुक में इनके बारे में विस्तार में पढ़ सकते हैं. राइट, सो लक्ष्मी वर्मन के टाइम में ऐसा कहा जाता है कि एक महामारी फैल जाती है, जैसा कि COVID-19, इसी तरह का कोई एक महामारी फैल जाता है चंबा के इलाके में और उससे काफी लोग जो है उसका शिकार हो जाते हैं. और इन्हीं के दौरान कीड़ा जो कि एक इन्वेडिंग ट्राइब्स थी, इसे तिब्बतन या याकलैंडीज भी बोला जाता है, इन्होंने चंबा का कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया और इसके साथ में इन्होंने कांगड़ा का बैजनाथ एरिया भी ऑक्यूपाई कर लिया और इसीलिए बैजनाथ को कीड़ा ग्राम के नाम से भी जाना जाता है. राइट, सो ये कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इनके कार्यकाल के दौरान. उसके बाद आता है मूषण वर्मन का नाम. मूषण वर्मन जो है लक्ष्मी वर्मन के ही बेटे थे, लेकिन लक्ष्मी वर्मन की जब डेथ हो जाती है तब तक उनका कोई भी वारिस नहीं था, परंतु उस समय में उनकी मौत के समय उनकी रानी जो थी
वो गर्भवती थी, राइट। सो जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती है और रानी गर्भवती होती है, तो जो राज्य के वजीर और जैसे पुरोहित वगैरह जो होते हैं, वो रानी को सलाह देते हैं कि यहाँ से हमें किसी सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए, अदरवाइज नो रानी के ऊपर उन्हें नो किसी खतरे की संभावना जो है वो महसूस करते हैं। सो इसीलिए वो रानी को लेके सुकेत की तरफ प्रस्थान करते हैं, और नो रास्ते में बीच में घरों करके एक जगह आती है, वहां पे नो रानी फेल्ट दी लेबर पेन्स एंड शी गेव बर्थ टू दी मूशन वर्मन। ओके, सो रानी ने चुपके से एक गुफा में नो अपना मूशन वर्मन को जन्म दिया, और वापिस आके मूशन वर्मन को उधर गुफा में ही छोड़ दिया, और वापिस अपने नो कन्वॉय के साथ आगे बढ़ने का प्लान बनाया। लेकिन जो वजीर और पुरोहित जो साथ में थे, उन्हें नो संदेह हुआ इस बात पे, तो उन्होंने जब रानी से पूछा तो रानी ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। सो उन्होंने जब वापिस देखा तो ये छोटा सा बच्चा जो कि अभी अभी पैदा हुआ था नो ये गुफा में रानी ने रखा हुआ था, और उसके इर्द गिर्द में काफी सारे चूहे उसकी देख रेख कर रहे थे, राइट। सो इसीलिए इस राजा का नाम चूहों के नाम पे मूशन वर्मन रखा है, क्योंकि मूसा जो है संस्कृत वर्ड है चूहे के लिए। और इसी तरह फिर वो उस बच्चे को लेके साथ में आगे सुकेत में सुकेत राज्य में चले जाते हैं, और वहां पे वो एक ब्राह्मण के घर में नो चुपके से ठहरते हैं, किसी को बताते नहीं है कि हम चंबा के राजघराने से हैं। लेकिन ब्राह्मण को एक दिन शक हो जाता है कि ये बच्चा जो है और ये परिवार जो है किसी नो साधारण घराने से नहीं है। सो उसने इसकी सूचना राजा को दे दी, और बाद में राजा को जब पता चलता है तो उन्होंने उसका इन लोगों का सत्कार पूर्वक इनका स्वागत किया, और इस मूशन वर्मन की परवरिश जो है वो सुकेत में ही होती है। एंड फाइनली जो सुकेत के राजा हैं अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं मूशन वर्मन के साथ, और उन्हें एक परगना और एक जागीर जो है पंगना जागीर जो है इन्हें दहेज के रूप में दे देते हैं, राइट। एंड ऐसा कहा जाता है कि इस मूशन वर्मन राजा ने अपने राज्य में चूहों को मारने पर रोक लगा दी थी, और ये परंपरा जो है अभी भी चंबा के राजघराने में प्रचलित है, राइट। सो ये थी राजा मूशन वर्मन की कहानी। इसके बाद में आते हैं राजा साहिल वर्मन, ठीक है। साहिल वर्मन का भी काफी प्रसिद्ध हैं ये अपने कार्यकाल के लिए, और इन्होंने लगभग 12 साल तक कुल्लू के खिलाफ युद्ध लड़ा है। एंड ऐसा कहा जाता है कि ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा टू चंबा, करेक्शन नॉट ब्रह्मपुत्रा, दिस इज ब्रह्मपुरा जो कि चंबा का पुराना नाम था। सो इन्होंने ब्रह्मपुरा से चंबा में अपना राजधानी शिफ्ट किया था, एंड चंबा टाउन उस समय चंबा टाउन जो है चंबा का जो कस्बा है प्रेजेंट डे, उसमें वाटर की काफी पानी की काफी स्कैसिटी थी। सो पानी की किल्लत होने की वजह से इस राजा की रानी जिनका नाम था नैना देवी, शी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू ब्रिंग वाटर टू दी चंबा टाउन। तो इसके साथ एक बहुत ही आकर्षक कहानी जुड़ी हुई है। सो रानी ने अपने जीवन का बलिदान करके चंबा के लिए पानी का प्रोविजन किया, और इनकी मेमोरी में आज भी सुही मेला, जिसके बारे में हमने प्रेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे वाले वीडियो में इसका जिक्र किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो सुही मेला जो है रानी नैना देवी की याद में ही मनाया जाता है, राइट। सो ये रानी नैना देवी साहिल वर्मन की ही रानी थी। ये कई बार इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, और सुही मेला जो है रानी नैना देवी से जुड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इनके 10 बेटे थे और एक बेटी थी जिनका नाम था चंपावती। सो ये चंपावती काफी इंपॉर्टेंट है चंबा के इतिहास में, क्योंकि चंबा का जो नाम है चंपावती के नाम पे ही पड़ा हुआ है, और इन्हें 84 योगियों के जो आशीर्वाद का भी इन्हें मतलब मिला हुआ है। इनके नाम के साथ भी एक काफी आकर्षक कहानी जुड़ी हुई है। एंड ऐसा कहा जाता है कि इस राजा ने काफी सारे टेम्पल्स बनवाए, जैसे चंपावती टेम्पल, देन लक्ष्मी नारायण टेम्पल, 84 मठ, जो कि मैंने बोला कि इनके कार्यकाल के दौरान में वहां पे कुछ योगी जो है वो वहां पे रहते थे, और 84 मठ जो है उनके नाम पे हर योगी के लिए इन्होंने एक एक मठ की स्थापना की थी। सो इसीलिए इसे 84 मठ कहा जाता है, राइट। उसके बाद जैसे चंद्रशेखर और कामेश्वर मंदिरों का भी निर्माण इसी राजा ने करवाया था। देन नेक्स्ट राजा है युंगकार वर्मन, राइट। ये साहिल वर्मन के बेटे थे, और नरसिंगा टेम्पल जो है वो इनकी रानी त्रिभुवन देवी द्वारा बनाया गया था, राइट।
एंड इन्होंने गौरी शंकर का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया हुआ है। सो ये मंदिरों के नाम जो हैं इनके युंगकर बर्मन के नाम से जुड़े हुए हैं। देन नेक्स्ट इज दी ललित बर्मन। ललित बर्मन के कार्यकाल में दो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, एक देवरी कोठी में और दूसरा साली में। एंड पांगी को इन इंस्क्रिप्शंस में ऐसा पाया गया कि पांगी को पणघाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि पणघाटी जो है वो पांगी का ही पुराना नाम हो सकता है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट राजा इज छत्र सिंह। इनका ओरिजिनल नाम जो था वो शास्त्रु सिंह था एंड इन्होंने बशोली को अपने बशोली के ऊपर आक्रमण करके इन्होंने भलाई एरिया जो है बशोली का उसे चंबा में मिला लिया था, उसके लिए ये काफी प्रसिद्ध हैं। और एक और इनके कार्यकाल के दौरान ऐसा हुआ था कि जो मुगल शासकों के दिल्ली में जो राजा थे औरंगजेब मुगल एम्परर, इन्होंने उस टाइम में एक ऑर्डर जारी किया था जितने भी हिंदू रूलर्स थे कि आपके साम्राज्य में जितने भी टेम्पल हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए अपने आप से, नहीं तो मेरे सैनिक आके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा छत्र सिंह ने औरंगजेब की इनकी जो हुक्म था उसका पालन नहीं किया और इन्होंने सभी मंदिरों के ऊपर एक पिनाकल के रूप में एक आवरण टाइप जो है उनके ऊपर डलवा दिया, एक छतरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये, ताकि टेम्पलों अपने मंदिरों को औरंगजेब और उनकी सेना के उससे बचाया जा सके, ठीक है। सो ये काफी फेमस राजा थे चंबा के। देन नेक्स्ट इज उमेद सिंह। ही बिल्ट अ पैलेस एट नाडा, राइट, एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ अखंड चंडी पैलेस वॉज इरेक्टेड बाय उमेद सिंह। एंड इन्होंने जो चंबा का फेमस रंग महल है उसे भी बनवाया था। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक और रंग महल का जिक्र है जो कि बिलासपुर में पड़ता है और अभी जो गोविंद सागर लेक में है, ये इसका जो विशाल बिलासपुर वाला रंग महल जो है गोविंद सागर झील में मर्ज हो चुका है, इसलिए उसका जो एग्जिस्टेंस अभी नहीं है। सो अगर अब बात करें हम रंग महल की तो ये चंबा का ही रंग महल आता है हिमाचल प्रदेश के चर्चा में। देन जीत सिंह। जीत सिंह वॉज अनदर रूलर। He had to face war with Basholi. इन्होंने भी इनके कार्यकाल में भी बशोली के साथ इन्हें युद्ध का सामना करना पड़ा था एंड इन्होंने अपने ट्रूप्स को भेजा था नाथू बजीर के अंडर राजा बिलासपुर के राजा की सपोर्ट के लिए, जो कि राजा संसार चंद कांगड़ा के राजा संसार चंद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। जैसा कि हमने बिलासपुर के इतिहास में भी पढ़ा था कि राजा महान चंद जो कि राजा संसार चंद कांगड़ा के राजा संसार चंद के इनके जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उसके काफी विरुद्ध थे और इन्होंने राजा संसार चंद को हराने के लिए सभी राजाओं से अनुरोध किया और जो नेपाली कमांडर अमर सिंह थापा की भी हेल्प ली। सो उस युद्ध में नाथू बजीर के अंडर चंबा के राजा जीत सिंह ने भी अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी थी, ठीक है। फ्रॉम 1809 The state became feudatory to Lahore. ऐसा कहा जाता है कि ये राजा जीत सिंह के कार्यकाल के दौरान 1809 में ये चंबा रियासत जो है ये लाहौर के अधीन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट राजा इज चरहट सिंह, राइट। सो फेब्रुवरी 1809 में इनके कार्यकाल के दौरान चंबा जो है फर्स्ट टाइम किसी यूरोपियन विजिटर, इनका नाम था मिस्टर वाइने, इसको आप अपनी सहूलियत के लिए मिस्टर विग्ने भी बोल सकते हैं, राइट, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये वाइने ही प्रोनाउंस होना चाहिए लेकिन इसे विग्ने भी प्रोनाउंस किया जाता है, राइट। सो मिस्टर विग्ने जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम फेब्रुवरी 1809 में चंबा की यात्रा की थी और उसी टाइम जनरल कनिंगम जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी थे उन्होंने भी चंबा में कुछ एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स का निरीक्षण करने के लिए यात्रा की थी चंबा की, राइट। और दिस राजा डाइड इन 1844 एंड इनकी दो रानियां थी और ऐसा कहा जाता है 6 कॉन्क्यूवाइंस यानी 6 रखेलें भी थी इनकी और वो सभी इनके साथ ही सती हो गई थी। ये सती प्रथा की जो प्रक्रिया थी ये ऐसा कहा जाता है कि इनके बाद
उसके चंबा में सती प्रथा का अंत हो जाता है, इसके बाद कोई भी सती होने की कोई भी घटना नहीं होती है। देन श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान कॉपर क्वाइन, उसका नाम है लक्कड़शाही, इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है इनके द्वारा। और 1853 में चंबा का जो कुछ हिस्सा है उसे अलग करके उसका नाम डलहौजी रख दिया जाता है, राइट। ये होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर डोनाल्ड मैकलीड और ब्रिटिश ऑफिसर मेजर ब्लेयर रीड को अपॉइंट किया जाता है वहां पे एज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्टेट, क्योंकि इस समय में 1846 के बाद 1846 के बाद जब पंजाब को ब्रिटिश रूलर्स द्वारा अपने ब्रिटिश प्रोविंसेस में अनेक्स कर लिया जाता है, उसके बाद वो पहाड़ी रियासतों के ऊपर भी धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं और 1853 में चंबा में भी उन्होंने अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया था, राइट। और वहां पे इनका अंग्रेजों का प्रभाव काफी बढ़ गया था। देन ड्यूरिंग द राजा टिक्का राम सिंह ऑन 1 नवंबर 1921 द स्टेट केम अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा टिक्का राम सिंह के कार्यकाल के दौरान ये चंबा रियासत जो है ये पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण के अंदर आ जाती है। और नेक्स्ट राजा इज राजा लक्ष्मण सिंह हु इज सेड टू बी द लास्ट राजा ऑफ चंबा एंड ही सपोर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। और राजा लक्ष्मण सिंह जब भारत आजाद हो जाता है सो इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट होने के लिए इन्होंने भी काफी बहानेबाजी और आनाकानी की थी। सो चंबा प्रजा मंडल जो कि काफी एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने इनके ऊपर दबाव बनाया और चंबा को भारतीय संघ के साथ इंटीग्रेट करवाया था, राइट। सो ये थे चंबा के राजाओं का इतिहास। अब हम कुछ एक बात करेंगे चंबा के बारे में, कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो ऐसा कहा जाता है 1863 में सबसे पहला पोस्ट ऑफिस और सबसे पहला प्राइमरी स्कूल जो है चंबा में खोला गया था। 1864 में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया जाता है। देन 13 नवंबर 1871 लॉर्ड मायो और द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही विजिटेड चंबा। सो 1871 में जो लॉर्ड मायो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने चंबा में दौरा किया था चंबा का उस टाइम में। देन अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज हॉप ग्रोइंग, दिस इज काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन दी चंबा रीजन इन 1880, राइट। एंड इन सेप्टेम्बर 1900 द स्टेट वॉज विजिटेड बाई वाइसरॉय एंड लेडी कर्जन। एट दैट टाइम लॉर्ड कर्जन वॉज द वाइसरॉय, so he along with his lady visited chamba. then famous bhuri singh museum, ye bhuri singh sangrahalay jo hai ye chamba mein located hai, kafi prasiddh hai ye. it was inaugurated in 1908, right. aur ye kafi baar objective type questions mein pucha jata hai bhuri singh museum kahan pe located hai aur kab ye inaugurate kiya gaya tha, so kindly remember this. and there are three important olive development centers in Chamba at Lanji, Saro and Rajnagar, right. ye kai baar match the following type ke questions mein is tarah ki jankariyan aa jati hain paper mein. then another, there is a sheep breeding farm at Sarol, it is also in Chamba. then Chamba milk supply scheme was introduced in 1978, right. Chamba mein jo milk supply scheme hai ye December 1978 mein shuru ki jati hai और चंबा को वैली ऑफ मिल्क एंड हनी के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है विच वैली इज नॉन एज और विच प्लेस इज नॉन एज वैली ऑफ मिल्क एंड हनी, सो इट इज चंबा। देन लग्गा करके एक देयर इज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड लग्गा विलेज, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और इसे निकरा करके एक सेंट्रल स्कीम है नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट एंड रेसिलियंट एग्रीकल्चर। सो इस स्कीम में भारत सरकार द्वारा चंबा के लग्गा गाँव को भी शामिल किया गया है, राइट। सो ये थी चंबा के बारे में कुछ खास बातें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और बहुत जल्द हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।